बीएससी प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय जिले का नाम किया रोशन। दिव्यापुर की राजरानी स्मृति महिला महाविद्यालय की छात्रा सालनी का आया विद्यालय में प्रथम स्थान। सालनी का सपना अध्यापक बनकर बच्चों को पढ़ाना। छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर की बीएससी फाइनल वर्ष के परीक्षा परिणाम 4 सितंबर को घोषित कर दिए गए, जिसमें दिव्यापुर के ककराही बाजार में स्थित राजा रानी स्मृति महिला महाविद्यालय की छात्रा शालिनी पुत्री रविशंकर वरिष्ठ बीएड सहायक डाइट अजीमल ने विद्यालय में 86% अंक पाकर प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय व जिले का नाम रोशन किया। शालिनी के पिता ने शालिनी को तिलक लगाकर मुँह मीठा करवाया, वहीं जिसमें विद्यालय की प्राचार्या ने मेधावी छात्रा शालिनी के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। शालिनी ने बताया कि मैं अध्यापक बनकर बच्चों को पढ़ाना चाहती हूं और अध्यापक ही बनना मेरी पहली पसंद है। आज जो मैंने यह मुकाम हासिल किया, इससे हमारे शिक्षकों को बहुत बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने हमें समय समय पर पढ़ाई के लिए प्रेरित किया और हम अभी भी आगे और भी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं। ब्यूरो चीफ विमल पांडे की रिपोर्ट। मैं आज अजीत मल टाइट पर बस सहायक रविशंकर के आवास पर मौजूद हूँ। यहाँ पर उनकी बेटी शालिनी ने वर्ष 2021 के बीएससी दिव्यापुर के राजरानी महिला कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मैं उनसे अपने उज्जवल भविष्य के विषय में थोड़ा जानकारी चाहते हैं कि बता बेटा, आगे चलकर आप क्या बनना चाहते हैं? आगे चलकर हम एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहते हैं। अच्छी पढ़ाई करके बच्चों को उनके भविष्य के बारे में जानकारी देकर, भविष्य के बारे में पढ़ाकर, उन्हें अच्छा कुछ नया बनने के लिए जागरूक करके, उन्हें अच्छे से शिक्षा देकर, उन्हें उनके भविष्य के लिए अच्छी प्रार्थना करके उन्हें आगे बढ़ने के लिए सलाह देंगे। अच्छा, ये जो आपका ये 86% जो मार्क्स आए, इसमें सबसे ज़्यादा अधिक योगदान किसका रहा? आपको किनकी प्रेरणा से आपने इतने मार्क्स जो प्राप्त किए? इसमें सबसे ज़्यादा रोल हमारे बायो टीचर्स का है, बॉटनी और जूलॉजी में। बॉटनी के टीचर जो हैं हमारी सुमन मैम, उनका सबसे ज़्यादा रोल रहा है। और हमारे सर हैं अजय सर, उनका उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है, स्कूल में भी काफ़ी सपोर्ट मिला है हमें। तो जो भी पूछना था, जो भी कन्फ्यूज़न रहती थी, तो वो सर हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देते थे। आज हम आपके पास आपकी ये खुशी के बारे में पूछा, अब क्या उम्मीद रखें कि अब हम आपसे कब मिलें? अब उम्मीद आप रखिए कि हम जब हमारी जॉब लग जाए तब। समथिंग प्रयास? अभी तो खैर अभी बीएड करूँगी तो फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा टीचर बनने में, तो आफ्टर 2 इयर्स। थैंक यू।